वो बाप था जिसने अपनी बेटी के साथ ज्यादती का अमल किया था। हमें सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स शायद मिल रहे होते हैं कि हाथ अलग आ रहा है, अंदर तक उनकी हड्डियां हमें जली हुई मिली हैं। उसको डर लगने लगा कि शायद ये किसी को बता ना दे, तो उसने उसको अपने घर में बुलाया और उसको ज़मीन पर लिटा के उसका सर कुचल कुचल के उसको मार दिया कि मजबूरी आपसे कुछ भी करवा देती है। वी वर्क एज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जिसमें हमारे पास केसेस हैं असॉल्ट रिलेटेड, रेप केसेस, गन शॉट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और तमाम वो केसेस जो लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। देखें, पोस्टमार्टम एक ऑपरेशन की तरह है। फ़र्क इतना है कि ऑपरेशन जिंदा का होता है, पोस्टमार्टम मुर्दा का। तो जब हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो हम उस बॉडी को प्रॉपर तरीके से क्लोज़ करते हैं कि वो अपनी असल शक्ल में वापस आए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जब उसको दफनाना है या उनके घर वालों ने उन्हें देखना है तो वो उसको देख के खौफ ना करें। केसेस डेली बेसिस पे जो मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ उसमें मेरे पास असॉल्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, गन शॉट्स जो आजकल के हालात चल रहे हैं, चाहे वो उसमें हमारे पास डकैत भी आ जाते हैं जो पुलिस इनकाउंटर के बाद हमारे पास लाए जाते हैं, और कुछ आम पब्लिक भी है जिनको चाहे किसी आपसी लड़ाई झगड़े में गोली लग गई हो या किसी वारदात के दौरान किसी डकैत ने गोली मार दी हो। तो ये वो केसेस हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑन एंड ऑफ इसके साथ रेप केसेस भी हैं और सोडोमी केसेस। फ़र्स्ट इनकाउंटर ही मेरे लिए काफ़ी अजीब सा था। मेरा पहला दिन था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में थी और फर्स्ट डेड बॉडी जो मैंने एग्ज़ामिन की थी वो डीकम्पोज बॉडी थी, कोई 7 से 8 दिन पुरानी। वो ड्राउनिंग बॉडी थी हमारे पास। आई नॉट रिमेंबर आइदर इट वॉज एडी और चीपा एम्बुलेंस वो ब्रॉट द डेड बॉडी, और हिस्ट्री उसकी इस तरीके से थी कि वो किसी नदी में उन्हें मिली थी। उसे जब हमने एग्ज़ामिन किया था तो वो पूरी फूली हुई थी डेड बॉडी। जब हमने उसको ओपन किया तो उसमें से डिकम्पोज गैसेस बाहर आ रही थी। अंदर जब उनके जिस्म का मुआयना हमने शुरू किया तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। उन्हें हम एग्ज़ामिन नहीं कर पाए, उनको आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका चेहरा पूरा ख़राब हुआ हुआ था, आँखें पूरी बाहर आई हुई थी, बाल पूरे झड़ चुके थे, स्किन का कलर उनका पूरा चेंज हो चुका था। तो बहुत मुश्किल भी था उनको एग्ज़ामिन करना क्योंकि जिस मॉर्चरी में वो बॉडी रखी गई थी वो पूरा रूम बहुत स्मेली हो चुका था। बट स्टिल इट वाज आवर जॉब कि हमने करना है, तो वहाँ खड़े होकर फिर हमने उसको एग्ज़ामिन करा। उसमें जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी उनको हमने देखा, उस पॉजिटिव फाइंडिंग की बेसिस पे फिर हमने उनकी कॉज ऑफ डेथ को आगे जाके डिक्लेयर किया था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर आप मुझसे बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें पूरा जिस्म मैंने खुलावा देखा है, स्पेशली उन केसेस में जो ट्रक से एक्सीडेंट हुए हुए हों, ट्रेन से एक्सीडेंट हुए हुए हों। उसमें हमें सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स शायद मिल रहे होते हैं कि हाथ अलग आ रहा है, सर पूरा खुलावा है, पेट नीचे दर से पूरा अलग हुआ है। तो सीवियरिटी तो बहुत एक्सटेंस है हमारे पास, बहुत एक्सटेंसिव है। रीसेंट में अगर आप मुझसे पूछें तो जो बलूचिस्तान में आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बस जल गई थी और एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज आल्सो वेरी स्कैरिंग फॉर मी कि एक ही बस के अंदर 40 से ज़्यादा लोग जल के राख हो गए थे। उनको एग्ज़ामिन करना और उस वक्त एक बाहर हुजूम लोगों का देखना जिसमें लोग खड़े हुए हैं अपने अपने प्यारों को ढूंढने के लिए खड़े हुए हैं, और उनकी शनाख्त होना मुश्किल था क्योंकि वो बॉडीज बिल्कुल जल चुकी थी। तो हमें शायद कंप्लीट एक इंसान बहुत कम मिला है, पूरी जली हुई मिली हैं। जब हमने इनको कपड़े हटाए जब इनके ऊपर से, तो हमने देखा कि वो डेड बॉडीज़ इस हद तक जली हुई थी कि अंदर तक उनकी हड्डियाँ हमें जली हुई मिली हैं। किसी के शायद हमें हाथ नहीं मिले, किसी के शायद हमें पाँव नहीं मिले,
किसी का डर हमें नहीं मिला, तो इस एक्सटेंट तक हमने शायद वो जली हुई डेड बॉडीज देखी हैं। शनाख्त कैसे होती है उन केसेस में? शनाख्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो डेड बॉडीज इस हद तक जली हुई हैं कि उनके अंदर तक हड्डियाँ भी जली हैं, तो हम उनकी शनाख्त नहीं कर सकते। उसकी शनाख्त के लिए फिर हमें एक चीज़ करनी पड़ती है कि जिस्म का कोई भी ऐसा पार्ट या जिस्म की कोई भी एक ऐसी हड्डी जो कि मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, उसको हम डीएनए के लिए लेते हैं। उसकी डीएनए की फॉरेंसिक होती है कि जो भी लवाइकीन हमारे पास आते हैं और इस चीज़ को कहते हैं कि इसमें हमारा भी कोई इंतकाल कर गया है, तो उनके घर के किसी भी करीबी भाई, बहन, वालिद, कोई भी फर्स्ट रिलेटिव, उससे उस डीएनए को मैच किया जाता है ताकि वो उनके हैंड ओवर की जा सके। रेप केसेस की बात करूं तो मेरे ख़्याल से हर रेप केस, चाहे वो एक छोटे बच्चे के साथ हुआ हो, किसी भी जेंडर के साथ हुआ हो, वो मेरे लिए शायद आई थिंक इक्वली उतना ही डिस्टर्बिंग है। उसमें असॉल्ट का एलिमेंट भी साथ आ जाता है, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें मैं उसकी सिवियरिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। एक केस मेरे पास था जिसमें मैंने मेल को एग्ज़ामिन किया था, और वो बाप था जिसने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती का अमल किया था। मैं शायद 2 मिनट के लिए, मैंने उससे शायद 3 से 4 मरतबा ये सवाल रिपीट किया था कि वाकई तुम इसके सगे बाप हो, क्योंकि जब उसने मुझे ये कहानी बताई, जब मुझे ये हिस्ट्री मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि शायद स्टेप फादर होगा, क्योंकि सगी औलाद से प्यार ज़्यादा होता है, सगी औलाद से इमोशनल फैक्टर बहुत होता है, आप उसका ख्याल काफ़ी रखते हैं। तो 3 से 4 मरतबा भी मेरे पूछने के बाद उसने यही बताया कि ये मेरी सगी औलाद है। तो जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या मजबूरी तुम्हारे पास आई कि तुम अपनी बेटी के साथ ही ज़्यादती का अमल कर रहे हो, तो उसके जवाब ने मुझे बड़ा हिला दिया था कि मेरी वाइफ को एक स्किन कंडीशन है, तो उसके करीब जाते हुए मुझे कराहियत महसूस होती है, तो मुझे कहीं तो अपनी नीड को पूरा करना है। और शायद उस जवाब ने मुझे बहुत कम लोगों पर भरोसा करवाना शुरू करा है कि मजबूरी आपसे कुछ भी करवा देती है। उस वक्त ना आप रिश्ता देखते हैं, ना आप उम्र देखते हैं, ना आप कोई भी एक पार्ट रखना चाहते हैं कि कौन है, क्या है, मैं इसके साथ अमल क्या करना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे आपके अपने घर अपनी बिल्डिंग में भी सेफ नहीं हैं। ज़्यादातर जो सोडोमी के केसेस हम देख रहे हैं, उन सोडोमी केसेस को हम यही देख रहे हैं कि जिन लोगों ने ये अमल उन बच्चों के साथ किया है, वो कोई दूर दराज के लोग नहीं हैं, उनके अपने ही करीबी, उसमें वो उनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, उनके मेड्स भी हो सकती हैं, उनके गली मोहल्ले के वॉचमैन भी हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकते हैं, जो उनकी तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हैं कि कब आते हैं, कब जाते हैं, किस वक्त खेलते हैं, क्या नहीं, क्योंकि बच्चा मासूम है, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या चीज़ हो रही है। ये भी अब्बासी शहीद के टाइम का है और इनिशियल टाइम का ही है, जिसमें एक बच्चा जो कि 8 से 9 साल का था, 4th या 5th क्लास का था, वो इंतकाल होके मेरे पास आया, और पुलिस ऑफिसर साथ अपने एक और छोटे बच्चे को ले आया है जो उसी के हम उम्र था। तो जब मैंने उस बच्चे को एग्ज़ामिन करा तो उसका सर कुचला हुआ था। तो मैंने जब उन पुलिस ऑफिसर से पूछा कि मैंने कहा क्या हिस्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम उम्र बच्चा है, इसने इसे मारा है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बैठाया, मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने अपने ही दोस्त को इस तरीके से मारा? कहा हम मूवी देख रहे थे, और मूवी देख रहे थे, मूवी में 2 शख्स थे, वो भी मेल दोस्त थे, हमसे बड़ी उम्र के थे, उन्होंने आपस में कोई बदफैली की, हमने भी कर ली। उस बदफैली के बाद हमने देखा कि जो एक दोस्त था, उसको डर लगने लगा कि शायद ही किसी को बता ना दे, तो उसने उसको अपने घर में बुलाया और उसको ज़मीन पे लिटा के उसका सर कुचल कुचल के उसको मार दिया। तो बस मैंने तो वो किया जो मुझे दिखा सामने।
तो वहाँ से एक चीज़ रियलाइज़ ये हुई कि हम शायद जो 90s की जनरेशन है, हमें याद है कि हम जब टीवी देखते थे तो हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस पेरेंट का होता था, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। आजकल वो नहीं है, और उस चीज़ के इम्पैक्ट ने किसी की शायद जान भी ले ली। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल मासूम है, उसे नहीं पता कि ये जो मैंने अमल किया या मैंने किसी को मारा ये कितना नुकसानदेह था, मैंने क्या किया है। उसने तो बस मासूमियत में जो देखा है वो किया। तो ऐसे भी केसेस देखे हैं मैंने कि जिसमें जिसने अमल किया और जिसके साथ अमल करा वो दोनों मासूम थे। आई थिंक शायद ये बात मैं शायद हमारे यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूँगा कि पोर्नोग्राफी ने हमारी शायद जनरेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। तो अगर आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज़ में मुलविस रख रहे हैं, तो ये ख्याल आपके जहन से कम आना शुरू होते हैं, आपके फोकसेस चेंज हो जाते हैं। जब आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप गलत संगतों में ही जाएंगे, गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशंस की तरफ चले जाते हैं, फिर वो चाहे चर्स हो, आइस हो, अल्कोहल हो। और जब आप अपने होशो हवास में ही नहीं रहते हैं तो आपको नहीं पता कि आगे आप क्या अमल कर रहे हैं। उनको इनिशियल लेवल पे इनकरेजमेंट नहीं देनी चाहिए, उनको इनिशियल लेवल पे ये बढ़ावा नहीं दिया चाहिए कि कोई बात नहीं है, पहली बार हुआ है। पहली बार ही झिझक होती है, दूसरी बार मज़ा आने लगता है। और एट टाइम ऐसा भी हुआ है कि हमारे रूम के अंदर हमें मारने के लिए भी बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं, मैसेजेस भी आए हैं जिसमें मुझे मेरी लोकेशन बताई गई है, जिसमें मुझे ये भी बताया गया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ हूँ। मैं रोड पर भी जा रहा हूँ तो मेरी नज़र मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे अतराफ़ में होती है कि कहीं से कोई गोली ना चल जाए। तो उस वक्त पहली चीज़ ये होती है कि मैं फैमिली को सिक्योर करके घर भिजवाऊँ। अकेला हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मौत कभी भी आनी है।